आज हम सभी ने विशेष एट पावर्स के ऊपर जो ये सीरीज रखी है, और मैं कहूंगी कि हेमा बहन, वैशाली बहन एवं जो भी सारी बहनें हैं सैन फ्रांसिस्को के सेवा के निमित्त, उन्होंने ये बहुत अच्छा संकल्प किया कि एट पावर्स जो है उसके विषय में जानते हैं हम सभी, दूसरों को भी सुनाते हैं कि हाँ एट पावर्स होने चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे अपने जीवन के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आवश्यकता ये है, चाहे कोई भी हो, आने वाले समय को देखते हुए ये एट पावर्स की एप्लीकेशन लाइफ में बहुत बहुत आवश्यक है। बाबा भी हम बच्चों को समय प्रति समय इस बात के लिए जागृत करते हैं कि बच्चे अगर पुरुषार्थ के समय अष्ट की माला में आना है तो आठों शक्तियों का सही समय पर सही रीति से प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। तब अष्ट की माला में माना इतना ये अष्ट शक्ति का महत्व है ब्राह्मण जीवन में कि यही अष्ट शक्ति हमें अष्ट की माला में पहुंचा सकते हैं। जो बाबा मम्मा के सिवाय अभी कुछ दादियां जैसे उस अष्ट की माला में तो पहुंच ही गए हैं, क्योंकि उन्होंने सही समय पर ये अष्ट शक्तियों का एप्लीकेशन किया। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं जो फर्स्ट डिवीजन है 108 की माला, जो भी पास विथ ऑनर्स की आत्माएं हैं, तो उस 108 की माला में भी प्रवेश करने के लिए जितना जितना ये आठों शक्तियों का सही समय पर सही तरीके से यूज किया, तो पुरुषार्थ के अंदर तीव्र गति सहज आ सकती है। इसीलिए ये अष्ट शक्तियां ब्राह्मण जीवन के लिए विशेष है। सिर्फ कब प्रयोग करना है उसको हमें अच्छी तरह समझना है। आज दुनिया में अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली लोगों के पास पोजीशन का पावर है, बाह्य शक्ति है, धन की शक्ति है ना, बाहुबल है। इन बलों के आधार पर वह जो है अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे ये सारी शक्तियां निष्काम हो जाएगी, मनुष्य प्रयोग नहीं कर सकेंगे। आज मनुष्य के पास धन की शक्ति है, लेकिन कई बार जब नेचुरल कैलेमिटीज में कईयों का सब कुछ खत्म हो जाता है, एक भूकंप आया, हम सभी ने देखा है, अनुभव किया है कि जब गुजरात में सबसे बड़ा भूकंप आया था तो उस समय करोड़पति भी रोड़पति बन गए, सब कुछ दब गया, उनका खत्म हो गया। तो धन की शक्ति क्या काम करेगी? नहीं काम कर सकती है। व्यक्ति के पास बाहुबल है, तन की शक्ति है, लेकिन कोई व्यक्ति का अपना अति प्रिय व्यक्ति जब आज कोरोना काल के अंदर देखते हैं कि वो तन की शक्ति कोई काम नहीं कर सकती है, पोजीशन पावर काम नहीं कर सकता है। तो बाबा ने बताया है बाह्य पावर्स जितने भी लोगों के पास है ये सब समाप्त हो जाएंगे, और अगर आवश्यकता रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ आत्मिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति की। और ये आध्यात्मिक शक्ति हम अपने अंदर किस तरह से डेवलप करें, तो उसके लिए चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि जितना आध्यात्मिक ज्ञान को
व्यक्ति हजम करता है अपने जीवन के अंदर, तो वही ज्ञान उस आत्मा के अंदर शक्ति बन जाती है, और शक्ति बन करके अनेक प्रकार की सफलता प्राप्त कराने में उसके सहयोगी या मददगार या सिद्धि दिला सकती है। इसीलिए आध्यात्मिक शक्ति या आत्मिक शक्ति को अभी विशेष हमें फोकस करने की आवश्यकता है। लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली अभी अभी नवरात्रि के दिन गए, चैत्र नवरात्रि के दिन गए, और हम सभी ने ये देखा है कि देवियों की इतनी पूजा होती है, उन्हें सजाते हैं, अष्टभुजाधारी दिखाया और हर भुजा के अंदर कोई अलंकार दे दिया। बाबा ने 2-3 दिन पहले की वाणी में भी हम सभी बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से बताया कि बच्चे देवियों की एक तरफ पूजा करते हैं और दूसरे तरफ उन्हें हिंसक दिखा दिया। तो हिंसक तो है नहीं प्रैक्टिकली वो, लेकिन यही तो सूक्ष्म शक्तियां आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक रूप में उनको ये अलंकार दिए हुए हैं। और इसलिए कहा कि ये एक एक अलंकारों से जो सजी हुई मूरत है, यही उनकी आध्यात्मिक शक्ति जो अनेक प्रकार के परिस्थितियों के ऊपर, अनेक प्रकार के जो बातें जीवन के अंदर विघ्न रूप में आती है उसे पार करने में वो सक्षम हो जाती है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये आध्यात्मिक शक्ति अपने अंदर विकसित करने की बहुत आवश्यकता है। साथ ही साथ जो आसुरी वृत्तियों चारों तरफ से हम अनुभव करेंगे आने वाले समय में, उन आसुरी वृत्ति कहो प्रवृत्ति कहो वाले लोग भी हमारे सन्मुख आ जाएंगे। कई बार कई लोग चाहते नहीं है लेकिन फिर भी परवश हो जाते हैं, वही हमारे लिए पेपर बन करके आएंगे। तो उस समय क्या करना चाहिए? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आज हम जिस शक्ति पर चर्चा करेंगे वह है सहन शक्ति। सहन शक्ति के लिए कहा जाता कि सहन शक्ति महानता के शिखर पर पहुंचाती है। यही सहन शक्ति वास्तव में सबसे पहले गुण होता है। देखो सतयुग के अंदर हम देवताओं की जब महिमा करते हैं ना तो सर्व गुण संपन्न कहते हैं, सर्व शक्ति संपन्न नहीं कहते हैं, क्योंकि शक्ति ये ब्राह्मणों का अलंकार है, ये देवताओं के अलंकार नहीं है। लेकिन जो शक्ति हमने यहां धारण की वो सतयुग से फिर गुण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन में जो सहन शक्ति हम अपने अपनाते हैं यही सहन शक्ति सहनशीलता का गुण बन जाता है। सहनशीलता दो शब्द का बना हुआ है, सहन प्लस शील, शील माना चरित्र। तो जो इंसान यहां पर सहन शक्ति का सही समय पर प्रयोग करता है, अप्लाई करता है, तो यही सहन शक्ति उसके लिए सहनशीलता का गुण बन जाएगा, यानी उसके चरित्र को निखारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसीलिए देवताओं का चरित्र इतना श्रेष्ठ। दूसरी बात कि ये सहनशीलता का सहन शक्ति का प्रयोग करते हुए जैसे कहा कि व्यक्ति सफलता के शिखर पर या महानता के शिखर पर पहुंच जाता है। दुनिया में जितनी भी महान आत्माएं हो गई उनकी महानता का आधार चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, उन्होंने भी कील सहन किया, चाहे महात्मा बुद्ध हो,
उन्होंने भी अपने जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियों को सहन करते हुए जब उसका शील निखरने लगा तब वो बुद्ध बना, महात्मा कहलाया। इस दुनिया के अंदर भी महात्मा गांधी ने बहुत कुछ सहन किया तब जाकर के वो महात्मा कहलाए। तो इसीलिए कहा कि व्यक्ति का शील तभी निखरता है। दूसरे शब्द में मैं कहूं तो यही सहन शक्ति सफलता की कुंजी है, चाबी है। कि जिस तरह व्यक्ति को अगर कोई चाबी प्राप्त हो जाए तो वो चाबी से वो सफलता के दरवाजे को खोल सकता है, लाइफ में सहजता से सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो भी सहनशीलता वाला व्यक्ति है, सहन करने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता है जो सपोर्ट करते हैं, और उसमें सबसे पहले गंभीरता चाहिए अर्थात मैच्योरिटी। अगर व्यक्ति गंभीर नहीं है, मैच्योर नहीं है, तो छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन आना स्वाभाविक है। इसलिए गंभीरता बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गंभीर होगा तो कोई भी प्रकार की परिस्थिति में वो घबराएगा नहीं, उसकी गहराई में जाएगा और सफलता का आधार यही हो जाता है। इसीलिए बाबा भी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ज्ञान को ग्रहण करते हुए जीवन के अंदर ये गंभीरता को अवश्य हमें अपनाना है। साथ ही साथ जैसे कहा कि कई गुणों का सपोर्ट चाहिए, तभी व्यक्ति ये सहन शक्ति अपने जीवन के अंदर विकसित कर सकता है। तो ये सपोर्टिव गुण कौन से हैं जो हमें बहुत आवश्यकता है? तो उसमें देखा गया है कि सहन करना संभव तभी है जब व्यक्ति के जीवन में स्नेह है, प्यार है, क्षमा भावना है, अर्थात क्षमाशील है, दूसरों को सहजता से फर्गिव कर सकता है, अंदर में शुभ भावना, शुभ कामना है, रहम है, धैर्यता है, गंभीरता है, शीतलता है, शांति है, अगर अंदर में अंतर्मुखता है और निश्चय बुद्धि है, तभी वो सहजता से सहन कर सकता है। अगर हर आत्मा के प्रति प्यार नहीं है, क्षमा करने की भावना नहीं है, शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है, शांति नहीं, शीतलता नहीं है, तो कैसे सहन करेगा? अंतर्मुखी नहीं है तो सहन करना असंभव हो जाता है। इसीलिए ये सपोर्टिव गुण पहले चाहिए, तब अपने अंदर संगम युग में सहन शक्ति आ सकती है और हम सही समय पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। जितना जितना शक्तियों को धारण करते जाते हैं, तो जैसे बाबा हमेशा कहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे, और उतना उतना ही दैवी सृष्टि में चक्रवर्ती राज्य पद के अधिकारी बनेंगे। अगर सहन नहीं कर पाते हैं तो अष्ट की माला में तो नहीं, 108 की माला में भी आना असंभव है। इसीलिए कहा कि दैवी सृष्टि के अंदर चक्रवर्ती पद प्राप्त करना है तो उसका मूल आधार ये अष्ट शक्ति है, और उसमें भी सबसे पहले सहन शक्ति। अब यूं तो मनुष्य कई बार जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां आती है जब उसे सहन करने का जरूरी है, लेकिन मालूम तो है कि कब मुझे सहन करना है, क्योंकि अक्सर मनुष्य गलती कहां करता है, जो बाबा हमेशा कहते हैं जब सहन करना है तो सामना करता है, तो रॉन्ग हो गया, और जहां सामना करना है वहां सहन कर लेता है। इसीलिए वो शक्ति को जब पकड़ना चाहिए, जिस तरह से वो पकड़ नहीं पाता है,
तो आज हम आपको बताते कहां कहां सहन करना पड़ता है। मुख्य रूप से जो कैटेगराइज किया है मैंने, छह बातों में कैटेगराइज किया है कि छह बातें ऐसी है जीवन के अंदर जहां व्यक्ति को सहन करना बहुत आवश्यक है। अगर वहां सहन नहीं किया तो व्यक्ति भीतर से टूट जाएगा, यानी टूट जाना माना डिप्रेशन का शिकार भी बन सकता है। इसीलिए छह जगह पर सहन करना बहुत आवश्यक है। और ये छह जगह कौन सी है? तो सबसे पहले जो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि हे अर्जुन, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ सर्दी गर्मी सब बातों को सहन करना पड़ेगा। दूसरे अध्याय में ही युद्ध का विधि विधान के लाइफ इज अ स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है, लेकिन इस संघर्ष में सबसे पहला विधि विधान है कि निंदा स्तुति मान अपमान सर्दी गर्मी हानि लाभ में व्यक्ति को सहनशील होना आवश्यक है। अब कई बार कई लोग सोचते हैं कि निंदा भी कब तक सहन करें। खैर, बाबा ने तो हम बच्चों को बताया है कि बच्चे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, ये कहा हुआ है। लेकिन निंदा करने वाला मित्र कैसे बन जाता है, है ना? तो उसके ऊपर भी हम सुनेंगे। दूसरा जो सहन करना है, जब व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कर्म भोग आता है, यानी कोई ना कोई बीमारी आती है, उस समय सहन करना पड़ता है। तीसरा, जब उसके जीवन में कोई निकट के व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, उस समय सहन करना पड़ता है। चौथा, अचानक निर्धनता आ गई, बहुत बड़ा धन का लॉस हो गया, उस समय भी व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। फिर कई ऐसी गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं, या गवर्नमेंट से संकट आ जाता है, या लोगों से संकट आ जाता है, तब सहन करना पड़ता है। और छठी बात, जब व्यक्ति भविष्य की चिंता करने लगता है तब सहन करना पड़ता है उसको। बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है, टेंशन ले लेता है, और वो टेंशन जब यहां पर अकोमोडेट नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर पाता है, तभी भी वो डिप्रेशन का शिकार सहजता से बन जाता है। तो ये छह बातें हैं कि जिसमें व्यक्ति को सहन करना ही पड़ता है। उसमें जो कहा सबसे पहले, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ सर्दी गर्मी, अब ये जो बात गीता में भी कही हुई है, निंदा स्तुति, कि आज कोई महिमा करेगा तो कल ग्लानी भी करेगा, कोई मान देगा तो कल कोई अपमान भी करेगा। माना अगर मान को स्वीकार करने की मेरे में शक्ति है या मुझे खुशी होती है, तो फिर अपमान जब होता है वहां भी वो शक्ति को हमें धारण करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि उस समय फिर रिएक्ट करना शुरू करें। दूसरा जो कहा कि सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी प्रकृति से होती है। बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी, सहन करते ही है, और उस ठंडी के अंदर अगर हीटर चालू होना, लाइट फेल होगा, बाबा ने कहा है अंतिम समय में लाइट सब फेल हो जाएंगी तो हीटर चलेगा नहीं, और हीटर नहीं चलेगा तो ठंडी को भी सहन करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गर्मी, राजस्थान में आ जाओ, बहुत ज्यादा गर्मी होती है और एसी ही ना चले। आजकल ग्लोबल वार्मिंग हर जगह हो रहा है, और अगर एसी की आदत पड़ी हुई है और एसी ही ना चले, तो सर्दी गर्मी में भी
बैलेंस रहना चाहिए स्टेट ऑफ माइंड हमारी, तभी तो सहन कर सकेंगे। तो इसीलिए कहा कि ये हानि लाभ जैसे चीज वस्तुओं से, धन से आज हानि हो गई कल लाभ हो गया, तो उसमें भी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, जो बाबा ने कई बार कहा है मुरलियों के अंदर कि बच्चे कभी कभी अचानक किसी को लॉटरी लगती है और वो लॉटरी भी सहन नहीं होती है तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो अचानक अगर कोई बात में हानि हो गई, नुकसान हो गया, दिवाला निकल गया, तो भी व्यक्ति कभी कभी उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है तो नुकसान हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये सब बातों में बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड जब हम रखते हैं, उसमें भी चलो सर्दी गर्मी में भी व्यक्ति चला लेता है क्योंकि समझता है प्रकृति है, लाभ हानि के समय भी व्यक्ति बैलेंस स्टेट रख सकता है, लेकिन जो विशेष बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड रखना है या सहन करना है वो निंदा स्तुति मान अपमान। और उसके लिए जो बाबा ने कहा कि बच्चे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, कैसे? तो जब कोई निंदा करता है तो क्या करेगा, हमारी कमी कमजोरी को लेकर के ही निंदा करेगा कि ये व्यक्ति के अंदर ये कमी कमजोरी है। तो बाबा ने कहा तो वो तो मित्र हो गया, क्यों? क्योंकि आज कमी कमजोरी बताने वाला कौन है, और कमी कमजोरी अगर बताई मेरी तो उससे मैं सावधान होकर के अपने आप को सुधार तो सकती हूं, तो वही सच्चा मित्र हुआ। अच्छा चलो मान लो कि वो जिस कमी कमजोरी को लेकर के निंदा कर रहा है वो मुझ में नहीं है, तो भी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। कई बार व्यक्ति निंदा इसलिए करता है, ईर्ष्यावश, जेलसी आ जाती है, और जेलसी किस बात से होती है, हमारी प्रगति उन्नति या हमारी उपलब्धियों से। और इसीलिए जब हमारी प्रगति उन्नति या उपलब्धियों से कुछ प्राप्ति हुई उससे जब जेलसी हुई तो भी निंदा करेगा कि अरे हमें पता है। जैसे वो एक बात कही किसी ने कि उसके घर में एक बहुत सुंदर गाड़ी आ गई, तो गाड़ी आई तो सोचा कि अड़ोसी पड़ोसी को एक पार्टी देते हैं, नई गाड़ी आई है बहुत सालों के बाद, तो अड़ोसी पड़ोसी को बुलाया और कहा ये नई गाड़ी के उपलक्ष में आप सबको भी हम ये एक पार्टी दिया है छोटी सी, तो आप लोगों को भोजन पर बुलाया। तो भोजन स्वीकार तो कर लिया अड़ोसी पड़ोसी ने, और भोजन स्वीकार करने के बाद जब बाहर निकले बोले कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कहीं से रिश्वत मिली होगी तो गाड़ी ले आए, खाना नहीं खा लिया और ऊपर से निंदा क्या किया, गवर्नमेंट सर्वेंट है कहीं से रिश्वत मिल गई होंगी तो गाड़ी ले आए, उसमें शो ऑफ कर रहे हैं, इतना दिखा रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, हमें महसूस करा रहे हैं कि जैसे हमारे पास नहीं है, तो ये हो जाता है। इसीलिए बाबा कहे कभी कभी जो आपके पास है गंभीरता से उसको अपने अंदर एकोमोडेट करो। जब शो ऑफ करने भी लगते हैं तभी भी निंदा को सहन करना ही पड़ता है, और बाहर जाकर के वो यही हमारी कमजोरी का वर्णन करेंगे कि देखो ऐसे है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें अपनी कमजोरी बताने वाला तो मित्र ही हुआ, और चलो अगर हमारे अंदर कमजोरी नहीं है और वो हमारी उपलब्धि से जल रहा है, जलस है, और जलसी के कारण वो निंदा कर रहा है, तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चे आपने जो कुछ जीवन में प्राप्त किया श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्त किया है, क्योंकि भाग्य कब मिलता है, कर्म से ही तो भाग्य बनता है, और इसीलिए कर्म से भाग्य मिला और उस भाग्य को देख करके वो जल रहा है, तो भी आप निश्चिंत रहो
डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है कि ये मेरी निंदा क्यों कर रहा है। उसका कारण ये है कि वो आपके भाग्य को छीन नहीं सकता। जो भाग्य मैंने कर्म से अर्जित किया है उसको छीनने की ताकत भगवान में भी नहीं है। भगवान ने भी उस भाग्य को कर्म के फल स्वरूप दिया है। तो जो चीज कर्म के फल स्वरूप मुझे प्राप्त हुई है उसको कोई भी छीन नहीं सकता है। लेकिन उस भाग्य को मिटाने की अगर ताकत है किसी में तो सिर्फ मेरे पास है। और मैं उस भाग्य को कैसे मिटाती हूं कि जब किसी ने कुछ कहा मुझसे सहन नहीं हुआ और सहन न हो करके किसी ने आकर सुना है कि फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, ऐसी निंदा कर रहा था आपकी, और वो मुझसे सहन नहीं हुआ और सहन नहीं हुआ और नेगेटिव हो जाती हूं मैं और उसकी निंदा की चार बातें मैं सुना देती हूं। अरे हम भी जानते हैं कि वो क्या है। और चार बातें जब उसकी सुनाने लगते हैं तो ये कर्म मेरे भाग्य को लकीर जरूर लगाएगा। बाकी उसके बोलने से मेरे भाग्य को लकीर नहीं लग सकती है। इसीलिए अगर कोई हमारे भाग्य को देख करके जलता है और निंदा करता है तो निश्चिंत रहो, वो आपके भाग्य को छीन नहीं सकता है, क्योंकि वो भाग्य आपने अपने कर्म से अर्जित किया है। इसीलिए उसको, उस भाग्य को मिटाने की अगर ताकत है तो मेरे अपने कर्म में ही है। इसीलिए हमें किसी की निंदा से डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन में आने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे से तो सहन नहीं होता है क्या करें। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। बाबा के सामने, साकार बाबा के सामने जब कलकत्ता के न्यूज़पेपर्स में पूरा पेज भर करके बाबा की ग्लानी के बारे में लिखा हुआ था, बहुत निंदा की बातें लिखी थी, तो जो बाबा के बच्चे थे कलकत्ता में उनको बड़ा गुस्सा आया और साकार बाबा के पास आए न्यूज़पेपर लेकर के। बाबा उस समय कलकत्ता में ही थे तो बाबा के पास लेकर के आए न्यूज़पेपर के, बाबा ये तो बहुत उल्टी सीधी बातें लिखी है और उसके ऊपर तो केस करना चाहिए हमें, कैसे वो कैसे लिख सकता है। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, केस नहीं करना है, जिस बच्चे ने ये लिखा है ना उसको एक टोली का बॉक्स लेकर के दो, ले जाओ और थैंक्स का टोली का बॉक्स दो। बाबा इतनी ग्लानी की बातें लिखी और आप उसको टोली भेज रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, उस समय बेगरी पार्ट चल रहा था यज्ञ के अंदर, तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो आज न्यूज़पेपर में इतना फुल पेज देना हमारे बस की तो बात नहीं है कि हम इतना पैसा खर्च करके हम अपनी पब्लिसिटी करते थे तो डाल नहीं सकते, न्यूज़पेपर में एक छोटा कोना भी डाल नहीं सकते हैं। लेकिन उसने फुल पेज अगर डाला है, अब जितने लोग पढ़ेंगे, दो प्रकार के लोग होंगे, एक उस बात को सच भी मानेंगे, दूसरे जो होंगे वो सोचेंगे जाकर देखे तो सही कि सचमुच ये बातें जो लिखी है, समझदार व्यक्ति क्या करेगा, सोचेगा जाकर के देखे तो सही कि जो बातें लिखी है वो सही है। तो वो आएंगे, कोर्स करेंगे, देखेंगे, स्टूडेंट बन जाएंगे। तो उसने तो इनडायरेक्ट रूप में सेवा ही किया, तो उसके ऊपर केस क्यों करें हम, इसलिए उसको टोली का डब्बा दे दिया। तो निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, तो चलो 50% अगर उसकी बात को सच मानेंगे तो दूसरे 50% समझदार जो होंगे वो सोचेंगे जाकर देखना चाहिए कि इसने जो बातें लिखी है वो सही भी है या नहीं है, तो आएंगे, उनकी सेवा हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि कई बार हम आगे का सोचें और आगे का सोच करके उस रीति से
सहन करने की शक्ति को अपने अंदर विकसित करें, क्योंकि आगे का सोच करके चलेंगे तभी हमारे जीवन के अंदर हम उच्च महान हो सकते हैं और उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हुए उसका कल्याण कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब उसको टोली मिली, थैंक्स मिला, तो वही जो लिखने वाला था वही सॉरी करने भी आया बाबा के पास। बाबा का बच्चा भी बना, सॉरी भी किया और उसके बाद और अच्छा भी छापा। तो कई बार हमारी सहन शक्ति सामने वाले व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी रियलाइजेशन करा देता है। इसलिए बाबा कहते हैं गंभीरता के मैच्योरिटी के साथ आप चलो। तो ऐसा यथार्थ समझ का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी अपनी सोच भी ऐसी बदलती जाती है, सामने वाले की सोच भी बदलती जाती है और सहन करना भी हमारे लिए सहज हो जाता है। साथ ही साथ जो कहा, कहीं बीमारी आ जाती, कर्म भोग आ जाता है, या अचानक निर्धनता आ जाती है, हानि लाभ होने लगता है, तो बाबा कहते हैं कि ये या सरकारी कुछ गवर्नमेंट नियम ऐसे आ जाते हैं, या जैसे कोई निकट के व्यक्ति संबंधी की मृत्यु हो जाती है जो टॉलरेट नहीं हो पाती, इन सब चीजों के लिए बाबा ने एक समझ हमें बहुत अच्छी दी है कि बच्चे कर्म योगी बनकर के कर्म भोग को चुक तो कर। 14 तारीख की मुरली हम सभी ने सुनी है, अभी 14 अप्रैल की मुरली, जिसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बच्चे जो भी पूर्व हिसाब किताब है, अब ये अंतिम जन्म है, तो ये अंतिम जन्म में चुप तो नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसलिए हर हिसाब किताब को यही चुप तो करना पड़ेगा। लेकिन जो समझदार है, गंभीर है, धैर्यवत है, वो उसको कैसे चुप तो करता है कि चलो पिछला हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, तो खुशी खुशी से चुप तो करते हैं। और ये सोचते हैं कि बाबा को याद करने का समय मिल गया हमें, और इसीलिए जब समय मिला तो इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। तो वो बेड पर होते हुए भी, हॉस्पिटल में होते हुए भी, जैसे बाबा ने कहा था दादी गुलजार के लिए कि होली स्थल पर है, एक ऐसे पावन स्थल पर है जो खुशी खुशी से पिछला चुकतु भी हो रहा है और बाबा की याद से आगे का जमा भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये कर्म भोग को ये मत समझो, रिएक्ट नहीं करो या अधीर्य नहीं हो जाओ, ये क्या मेरे सामने यही बीमारी अभी आना था, क्या पुरुषार्थ मैंने शुरू किया था और देखो मेरा सारा पुरुषार्थ नहीं। आप लेटे लेटे भी पुरुषार्थ करो ना, और इसीलिए जब पुरुषार्थ करते हैं चाहे कोई भी कर्म भोगना है खुशी से उसको चुप्त करो, चाहे हेडेक हो, योग नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आप कोई ना कोई तन से अच्छा कर्म करो, कर्म ना सेवा करो जैसे बाबा ने कहा। और हर रीति से जब कोई सेवा करते हैं तो सेवा का बल मिलता है, और सेवा का बल कभी कभी, इसीलिए बाबा कहते कर्म योगी बन करके कर्म भोग को चुप तो करो। कोई भी कर्म भोग हो, चाहे सरदर्द जैसे सिंपल बात क्यों ना हो, लेकिन जब कर्म योगी बनते हैं यानी स्थूल कर्मणा सेवा में आ जाओ, तो स्थूल कर्मणा सेवा ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय तक भी अनाज सफाई किया या स्थूल सेवा भी करके सिखाई, और उसका भी उतना ही मार्क्स दिया बाबा ने जितना मनसा सेवा वाचा सेवा को देते हैं। तो आप नई योग लगा सकते हैं, कर्म योगी बन जाओ, कर्मणा सेवा करके योगी बन करके शांति से, इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना व्यक्ति इरिटेट होता है उतना अपना ही नुकसान करता है कि वो हिसाब किताब और कड़ा हो जाता है, चुकतू होने के बजाय वो ज्यादा भोगना का अनुभव कराता है। इसीलिए बाबा कहे कि
ज्ञान और योग की धारणा हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जिस ज्ञान और योग की धारणा से हम उस बीमारी के ऊपर भी सहजता से अप्रत्यक्ष रूप से भी उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सके। जैसे बाबा ने अंतिम शब्द में कहा कि जब बच्चों ने पूछा कि बाबा अंतिम समय आपका एक्सपीरियंस क्या था, तो बाबा ने कहा कर्म योग की कर्म भोग से लड़ाई हो रही थी, तब जाना चाह रहा था, लेकिन कर्म योग की शक्ति इतनी थी, इतना बल था बाबा के पास कर्मणा सेवा का भी, कि वो कर्मणा सेवा ने उस दर्द को अनुभव होने नहीं दिया बाबा को, और सहजता से अलग हो गए। आज प्रैक्टिकल हम दादियों को देखते हैं कि दादियां भले हॉस्पिटल में होते हुए भी उनके चेहरे पर देखो वही शांति शीतलता, जैसे सारे विश्व को वो शुभकामना शुभ भावना का दान दे रहे हैं, सारे विश्व का कल्याण लेटे लेटे कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल बाबा ने दादियों को एग्जाम्पल बनाकर के हमें सिखा रहे हैं कि देखो दादियों को भी पिछला कर्म भोग जो होता है पिछले जन्मों का वो तो चुकाना ही पड़ेगा ना, कितना खुशी से शांति से उसको चुप्तु करके बाबा की याद में रह करके भविष्य को भी जमा कर लेती है। और इस तरह से कर्म योगी बन करके जब चुप्तु करते हैं तो कर्मातीत बनना सहज हो जाता है। इसलिए इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, ये रोग वरदान ये सब जो विपरीत बातें हैं ये भी हमें कोई ना कोई बात सिखाती भी है, वरदान बन जाती है बाबा की याद के लिए। तो बाबा कहे कि ये सभी ज्ञान की बातों को सही तरीके से प्रयोग करने से ही सहन शक्ति बढ़ती है और हम सहजता से इस शक्ति को अपने अंदर विकसित कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। फिर बाबा की कई शिक्षाएं हमारे सामने हैं, जिन शिक्षाओं के आधार पर भी देखा जाए तो बाबा ने बताया है कि बच्चे सदा अटल अचल संगम युग की मौज का अनुभव करने वाले। संगम युग मौजों का युग है, अगर अभी मौजों का अनुभव नहीं किया तो कब करेंगे बताओ। और इसीलिए बाबा कहे कि ये सहनशीलता का गुण धारण करते हैं तो मौजों का अनुभव सहज हो जाता है। वहां तक के बाबा की एक लाइन मुझे याद आती है कि बच्चे कोई भी बात में अगर फील किया ना तो समझ लो फेल हो गए। बाबा राइमिंग शब्द हमेशा यूज करते हैं, तो इसीलिए सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए बाबा कहे देखो कहीं कोई बात में मुझे फीलिंग तो नहीं आ रही है, दुख दर्द की फीलिंग जहां आई वहां फेल हो गए। तो पुरुषार्थ हमारा ऐसा हो, सहन शक्ति इतनी विकसित हो कि फील ना हो, मौज का अनुभव करे, अचल अटल होकर के मौजों का अनुभव करके उस मौज में रहे, फीलिंग ना हो। बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी की बात मुझे याद आती है कि एक बार जब दादी लास्ट लास्ट में शरीर छोड़ने से पहले 15 दिन पहले की बात है कि दादी जब बेड पर थे तो ऐसे आंख बंद करके ऐसे लेटे हुए थे, तो उतने में मुन्नी बहन वहां पहुंचे तो पूछा दादी सुबह सुबह में कि दादी कैसे हो, तो दादी ने आंख खोल करके कहा मुस्कुराते हुए मुन्नी तेरे से अच्छी हो, तेरे से अच्छी हो, कि तू मेरा दुख दर्द फील कर रही है कि दादी को तकलीफ हो रही दादी को ऐसा तू फील कर रही है तो तू फेल हो गई, लेकिन मैं मौजों का अनुभव कर रही हूं तो पास हो गए ना। संगम युग की मौज का ये दादियों ने अंतिम घड़ी तक अनुभव किया, अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया, और इसीलिए बाबा ने भी अनुभव कराया कि बाबा ने कहा कि उनको कुछ दिन पहले से वतन में बाबा जैसे अपने साथ का अनुभव कराता है, क्योंकि वो खुद ऐसे कर रहे हैं। तो इसीलिए जो कहा ये बातें जीवन में आना स्वाभाविक है,
कर्म भोग से कोई छूट नहीं सकता है, और जब कर्म भोग से कोई छूट नहीं सकता है तो ये बातें आना स्वाभाविक है। लेकिन आवश्यकता है कि हम अपनी सहन शक्ति को इतना बढ़ा दें और उसी समय उसको प्रयोग करना है। कई बार कई लोग ये नहीं समझ पाते सहन कब करना चाहिए, सामना कब करना चाहिए। सामना के लिए बाबा ने हमेशा कहा है परिस्थितियों का सामना करो। नेचुरल कैलमिटीज आती है, सामना करना ही पड़ता है। वहां सहन करके अगर बैठ जाएंगे तो रोना शुरू करेंगे, हाय मेरा सब कुछ लूट गया, मेरा सब कुछ चला गया। तो परिस्थिति का सामना करना है, और कर्म भोग है, व्यक्ति है, निंदा स्तुति, ये जो है ये सबको सहन करके उसको पार करना है। तो इसीलिए बाबा ने कहा फील करना माना फेल हो जाना। इस तरह बाबा ने हमें समझाया कि बच्चे याद रखो यह समय हर एक के हिसाब किताब चुकतू होने का समय है, इसलिए ड्रामा अनुसार प्रैक्टिकल पेपर होने ही है। कई बातें अच्छे रूप में भी सामने आएगी, तो कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का पर्दा अकल्याण का नुकसान का दिखाई देता है, और उस समय थोड़ा धैर्यवत होकर के सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी होकर के स्वयं में देखो। तो बाहर के पर्दे के अंदर कल्याण छुपा हुआ नजर आएगा। बाबा ने की एक बात मुझे याद आती है कि बाबा ने मुरली में कही है कि बच्चे हीरा कहाँ प्राप्त होता है, हीरा हमेशा कोयले की खान में प्राप्त होता है। जो हीरा ढूंढने जाता है ना कोयले की खान में, वो अगर चारों तरफ कोयला ही कोयला देखेगा तो निराश हो जाएगा, लेकिन उसकी आंख उस चमक पर रहती है कहां से चमक आ रही है, और उस चमक पर जब उसकी नजर पड़ती है तो खुशी होती है। तो इसी तरह बाबा कहे परिस्थितियां जो है जीवन के अंदर, जैसे कहा कि अचानक कोई बातें आती है, वो बात जो आई उससे हम दुखी हो गए, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ में, अब क्या होगा। दुखी होने के बजाय उसमें जो छुपा हुआ कल्याण है उस कल्याण रूपी हीरे को पकड़ लो। तो बाहर का कितना भी अकल्याण का स्वरूप क्यों ना हो, लेकिन जब आप कल्याण को पकड़ लेंगे तो वो अकल्याण को पार करना, सहन करना आराम से हो जाएगा, उसको ओवरकम कर सकेंगे। जिस तरह से कई बार हम मिसाल देते हैं कि एक मूर्ति को बनने के लिए भी कितना सहन करना, एक एक ठोकर, एक एक हथौड़ी छेनी को सहन करना पड़ता है, तब जाकर के पत्थर की शिला मूर्ति बन सकती है कि नहीं। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक मंदिर पूरा मार्बल का मंदिर था, चारों तरफ मार्बल लगे हुए थे और मूर्ति भी मार्बल की थी। तो जब सारे लोग चले गए तो रात में जब वहां सन्नाटा हो गया तो नीचे जो फ्लोर पर मार्बल थे और जो मूर्ति वाला मार्बल था दोनों आपस में बात करने लगे, और दोनों क्या बात करने लगे कि देखो तू भी मार्बल है मैं भी मार्बल हूं, हम दोनों एक ही खानी से निकले हैं, लेकिन मैं सबके पैरों के नीचे रौंदा जा रहा, घिस रहे लोग मुझे, और तुम जो है तुम्हारे ऊपर फूल हार रोज चढ़ रहे हैं, नारियल चढ़ रहे हैं, कितना प्रसाद मिठाइयां तेरे सामने रखी जाती, और लोग कितना झुक झुक करके तेरे को जैसे नमस्कार करते हैं। तो एक ही खानी से हम निकले फिर भी इतना अंतर क्यों तेरा भाग्य और मेरे भाग्य में। तब वो मूर्ति वाला पत्थर कहता है उसको कि देखो भाई
हम दोनों एक ही खानी से निकले, लेकिन सबसे पहले वो मूर्तिकार ने तुझे ही लिया मूर्ति के रूप में तराशने के लिए, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर हथौड़ा छेनी चलाने लगा कि तुम टूट गया बीच में से, तो उसने तुझे हटा दिया। टूटा हुआ पत्थर को कैसे मूर्ति बनाएगा, तुम सहन नहीं कर पाए, एक एक हथौड़ा चैनी सहन नहीं कर पाए, और इसीलिए जब तुम टूट गया तो उसने तुझे साइड कर दिया कि भाई अभी उसका टाइल्स बना दो। और उसने फिर उसके बाद मुझे लिया, मैंने एक एक हथौड़ा छेनी को सहन कर करके मूर्ति के रूप में निखर आया, मूर्ति बन गया। इतना सहन करने के बाद ही मूर्ति बन सकता है। और जो आज तुम बोल रहा है कि मेरा भाग्य ऐसा है, मैंने बहुत हथौड़े छेनी सहन किए तब जाकर के मैं मूर्ति बना, और तब आज इतना लोग झुक रहे हैं। दूसरे को झुकाने का आधार भी हमारी सहन शक्ति ही है। अगर सहन शक्ति नहीं है तो कोई नहीं झुकेगा आपके सामने, कोई महान नहीं समझेगा। तो इसीलिए वो कहता है, भाई पहले तो तेरे को ही लिया था उसने, लेकिन तुम टूट गया। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति जीवन में सहन नहीं कर सकता और जल्दी टूट जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है, एकदम इरिटेट हो जाता है, गुस्से में आ जाता, क्रोध करना शुरू कर, रिएक्ट करने लगता है, वो कभी भी सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो भले एक ही भगवान के घर से हम सभी आए हैं इस संसार में, लेकिन जो इस संसार के हथौड़े छेनी को खा करके बनता है, वो सचमुच एक साक्षात मूर्ति बनती है, जो सम्मान को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम सम्मान को तभी प्राप्त कर सकेंगे। तो इसीलिए एक और बहुत अच्छी बात बाबा की याद आती है कि बच्चे सदा ये याद रखो कि ड्रामा में जो बात जिस रूप से बीत जाती है वह फिर से इसी कल्प में रिपीट नहीं होती। इस ड्रामा के अंदर कोई भी दो सीन एक जैसी नहीं होती है। जो कई बार कई लोग नहीं सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है, बार बार नहीं होता है। एक सीन दोबारा रिपीट नहीं होती इस कल्प के अंदर, हर बार अलग रीति से आती है, लेकिन शायद हर बार जब अलग रीति से आती है तो संदेश वही है कि तुम सहन शक्ति को विकसित करो, सहन शक्ति को विकसित करो। बाबा जैसे इशारा दे रहा है अलग अलग तरीके से जो परिस्थिति आती है उसके आधार से हमें संदेश संकेत यही मिलता है, सहन करके पार करो। लेकिन क्योंकि हम जब तक सहन नहीं करेंगे तब तक पार भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए बाबा ने कहा इस समय में इस कल्प में वो दोबारा रिपीट नहीं होंगी और फिर 5000 साल के बाद ही रिपीट होंगे। तो इस स्मृति से अंगद के समान सदा अचल अडोल बन सहनशीलता का गुण धारण करो और ड्रामा में निश्चय बुद्धि होकर के चलो कि बाबा के महावाक्य में हम सभी ने यह सुना है कि निश्चय बुद्धि बच्चे सहनशीलता के गुणों को धारण कर बुरे को भी अच्छा बना अच्छे में बदल देता है, बुरे को भी अच्छे में परिवर्तित कर देता है। तो इसीलिए आवश्यकता है कि हमें ड्रामा के रहस्य को समझने की, कि ड्रामा में एक सीन अगर आई है वो कुछ संदेश लेकर के आई है, उस संदेश को समझ करके उसके अनुरूप हो जाना, सहन करते हुए और पार करना। तीसरी बाबा की शिक्षा बहुत अच्छी बाबा की याद आती है कि बाबा कहे कि जब कोई व्यक्तियों से कोई परीक्षा आती है तो बाबा कहते हैं कि बच्चे
तुम स्नेह के सागर बन जाओ। स्नेह के सागर बाप के बच्चे हो, मास्टर स्नेह के सागर बन जाओ। कोई अपने स्वभाव वश क्रोध कर रहा है, झूठ बोल रहा है, आप उसको स्नेह दो। उसने 10 बार, कई बार कई लोग क्या कहते हैं, 10 बार क्रोध किया उसने, 10 बार सहन किया, आखिर कब तक सहन करेंगे? सहन करने की भी एक लिमिट तो होती है। तो इसीलिए हमने जवाब दे दिया, बाबा कहे चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे एक बाबा की लाइन याद आती है यहाँ पर कि एक बार बाबा ने कहा था कि बच्चे रावण तो क्या, रावण का बाप भी सामने आ जाए ना तो भी तुम्हें सहन शक्ति के आधार से पार करना है। रावण का बाप कौन है? रावण का बाप कौन है? शिव बाबा है। बाबा कहते हैं ना, माया मेरी बच्ची है। तो इसीलिए जो है बाबा कहे कि बच्चे तुम्हें कभी भी उसके वश नहीं होना है। किसी ने 10 बार गलती किया, बार बार झूठ बोल रहा है। कई बार कई लोग क्या कहते हैं, वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना तो मेरे से सहन नहीं होता है, बहुत गुस्सा आता है। अब इस बात को एनालाइज करें हम कि मानो के सामने वाला झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों बोल रहा है? कोई भी इंसान झूठ कब बोलता है? डर, उसके अंदर भय, वो सत्य को फेस नहीं कर सकता, इसलिए झूठ का सहारा ले लेता, सपोर्ट ले लेता है, और तब वो झूठ बोलता है। अब आप मास्टर स्नेह के सागर हो और आप कहो कि वो 10 बार झूठ बोलता रहे, मैं कब तक सहन करूं? सोचने की बात है, वो तो भयभीत है इसलिए उसने झूठ का सहारा लिया, लेकिन आप तो शक्तिशाली हो, योग कर रहे हैं, रोज मुरली सुन रहे हैं, तो रोज मुरली सुन रहे हैं, रोज योग कर रहे हैं, आप में अगर शक्ति है, आप मास्टर स्नेह के सागर बनो, उसको स्नेह दो, प्यार दो, ताकि उसका भय कम हो जाए। मान लो कि उसके अंदर डर है, सत्य को फेस करने की ताकत नहीं, इसलिए तुरंत उसने झूठ का सहारा ले लिया और कोई बात हुई उस समय उसने झूठ बोल लिया। आप समझ गए कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसी वक्त गुस्सा करने के बजाय आप उसको प्यार से कहो, कोई बात नहीं, नुकसान भी हो कोई बात नहीं, आप वहां से निकल जाओ। निकल जाने के बाद उस व्यक्ति के मन के अंदर एक टग ऑफ वॉर चलेगा कि मैं तो फालतू डर रहा था, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, सच बता देता था तो भी कुछ नहीं होना था, मुझे सच बोल देना चाहिए था। अंदर टग ऑफ वॉर चलेगी, क्या करूं, सच बोलूं नहीं बोलूं, सच बोलूं नहीं बोलूं, क्या होगा? आखिर आधा पौना घंटे के बाद हिम्मत इकट्ठी करके वो सोचता है सच बोल देता हूं, चलो जो होगा देखा जाएगा। फिर वो आपके कैबिन में आकर कहेगा, सर एक बात करनी थी, ये बहन जी एक बात करनी थी। आप कहेंगे क्या बात है बोलो। फिर वो सारी बात को एक्सप्लेन करता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ, सॉरी मैंने उस समय आपको बताया नहीं। और आप मास्टर स्नेह के सागर बनकर फिर उसको स्नेह देकर कहो, बहुत अच्छा कि आपने कह दिया, थैंक्स, थैंक्स मानो, उसने सच बोलने की हिम्मत तो लाई। अब उसका डर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, दूसरी बार वो झूठ का सहारा नहीं लेगा, या दूसरी बार अगर छोटी सी झूठ बोलेगा, तीसरी बार फिर सच बोलने की हिम्मत उसमें आ जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आप मास्टर स्नेह के सागर बन करके 10 बार उसने झूठ का सहारा लिया, क्रोध किया, उसने ये किया वो किया, अब आप मानो कि कोई व्यक्ति 10 बार आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, 10 बार आपने सहन कर लिया, 11वीं बार आपसे सहन नहीं हुआ, आपने जोर से उसको बोल दिया, गुस्सा कर लिया। अब वहां 10 लोग खड़े थे,
वो क्या देखेंगे? इतनी सी बात और उसने सहन नहीं किया, इतनी सी बात, क्योंकि ग्यारहवीं बार एक छोटा सा स्पार्क ही होता है और गुस्सा एकदम फ्लेयर अप हो जाता है। तो जब गुस्सा एकदम फ्लेयर अप हो गया तो 10 लोगों ने जो देखा, भाई इतनी सी बात भी सहन नहीं हुई, उनको क्या मालूम मैंने 10 बार सहन किया हुआ है। तो सहन करना दिखता नहीं है, लेकिन क्रोध करना दिखाई देता है। और इसीलिए जब क्रोध करता है इंसान और 10 लोगों ने देखा तो उनके अंदर क्या इंप्रेशन आए, इतनी बात भी सहन नहीं कर सके, बस यही है उसका ज्ञान योग। तो इतना समय जो आपने सहन किया उसके ऊपर तो पानी फिर गया। जहां 10 बार आपने सहन किया तो 11वीं बार भी कर ले। कोई कहते हैं कब तक, बाबा तो कहते हैं इसकी कोई हद नहीं होती है, कोई हद नहीं है। क्योंकि अगर एक झूठ बोलता है दूसरा क्रोध करता है तो ये कोई बहादुरी नहीं है, आपके नैन चैन वृत्ति दृष्टि में जरा भी कोई भाव न आए तब कहा जाता है कि हाँ ये सहनशील है। ये बाबा कहते हैं सहनशीलता का प्रैक्टिकल स्वरूप हमें बनना है ना। क्रोधी आत्मा तो कैसे भी है, लेकिन आप अपनी शीतलता अपने स्नेह को क्यों छोड़ते हैं? इसीलिए बाबा कहे जब वो नहीं छोड़ता है अपने स्वभाव को तो आप क्यों छोड़ देते हैं। जैसे वो महात्मा की कहानी हमें मालूम है कि एक बार महात्मा गए नदी में स्नान करने के बाद, जैसे ही बाहर निकला तो एक बिच्छू झाड़ पर से गिरा और बिच्छू ने सीधा डंक मारा, तो महात्मा जी ने उसको निकाल करके जमीन पर रख दिया। फिर वो बिच्छू चढ़ करके डंक मारा तो एक शिष्य जो साथ में था तो कहा कि गुरुदेव ये बार बार आपको डंक मार रहा है, मार क्यों नहीं देते हैं उसको? तो गुरु जी ने कहा ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ू? भगवान ने मुझे दया करने लिए कहा है तो मैं अपना स्वभाव इतना जल्दी क्यों छोड़ दूं? ये नहीं छोड़ रहा है ना। इसी तरह क्रोध करने वाला झूठ बोलने वाला वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो हम अपना संस्कार रहम का, शुभ भावना का, शुभ कामना का, शीतलता का, अंतर्मुखता का, सहनशीलता का हम क्यों छोड़ दे, है ना। और बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी सहन शक्ति के आधार पर कि आप किसके लिए सहन कर रहे हो, सहन जो करना पड़ रहा है किसके लिए सहन कर रहे हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सहन किया तो किसके प्रति सहन किया, बाप के आज्ञाकारी बनने के लिए सहन किया। भगवान ने आज्ञा दी है कि बच्चे तुम्हें कोई भी हालत में बोलना नहीं है, सहन करना है, तो भगवान के आज्ञाकारी बन करके सहन किया, दूसरे के लिए तो सहन नहीं किया, बाप की आज्ञा माने तो आज्ञा मानने की दुआएं जरूर प्राप्त होती है। तो बाबा की सहजता से वो दुआएं हमें मिल जाती है। कई बच्चे बातों को सामने देखते हैं और सोचते हैं कि हमने तो बहुत सहन किया, बाबा के ये शब्द है कि कई बार कई बच्चे सोचते हैं हमने तो बहुत सहन किया, कब तक सहन करेंगे, सहन करने की भी हद होती है, लेकिन जितना बेहद सहन उतनी बेहद की दुआएं, बाबा की दुआएं हमें प्राप्त होती है। और बाप के आज्ञाकारी बने तो बाप ने कहा है इसलिए सहन किया, तो मजबूरी से नहीं करो, खुशी से करो, सहन भी करना है, बाबा ने कहा है इसलिए करना है, तो आज्ञाकारी बनने से बाबा की दुआएं हमारे ऊपर सहजता से आ जाती है। और भगवान की दुआओं को प्राप्त करना कितना बड़ा भाग्य है, तो इसीलिए बाबा कहे खुशी से करो, उसी में ही फायदा है हमारा। और आगे बाबा बहुत अच्छी बातें बताते हैं। कि जब स्व का परिवर्तन करना है तो सहन करने का समय आता है। और कई कहते भी है कि मुझे ही मरना है,
मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है ना। कई लोग क्या कहते हैं, हर बार हम ही मरते रहेंगे क्या, हमको ही बदलना है क्या, हमें ही सहन करना है क्या। लेकिन दुनिया में भी जो कहा जाता है, बाबा कहे दुनिया में भी एक कहावत है कि मरेंगे तभी तो स्वर्ग जाएंगे। अब वहां तो मरने वाला स्वर्ग नहीं जाता है, ये हम भी जानते हैं, स्वर्ग है ही नहीं। लेकिन यहां जिसने सहन किया, जो मरा वो स्वर्ग में उच्च पद जरूर प्राप्त करेगा, वो स्वर्ग में भी जाएगा और उच्च पद भी, श्रेष्ठ सीट भी प्राप्त करेगा। तो ये मरना मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। ये बाबा की बात याद आती है कि बाबा ने इसीलिए कहा कि कई लोग जो सोचते हैं कि हमें मरना है क्या, हमें ही मरना है क्या, तो ये मरना नहीं लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट प्राप्त करना है और सबके दिलों में भी उसके प्रति मान सम्मान। मुझे याद आता है कि जब मम्मा साकार में थे, बाबा मम्मा, तो जब बाबा ने मम्मा को ये टाइटल दिया कि ये मातेश्वरी है, तो नेचुरल है कि उस समय जितने भी दादियां थी तो वो दादियां सब एक समान थी। मम्मा भी 14 साल की आई थी बाबा के पास, प्रकाशमणि दादी भी 14 साल की थे, तो मतलब मेजोरिटी जो है थे, और कई लोग बड़े भी थे, 20 साल थे तो बड़े भी थे, और मम्मा के एज के थे, तो माना लगभग सभी समान एज के थे। तो जब बाबा ने मम्मा को मम्मा का टाइटल दिया, मातेश्वरी का टाइटल दिया कि यही मातेश्वरी है, जगत अम्बा है, तो कई लोगों से सहन नहीं हुआ। हम उससे पहले आए, हमने उसको ज्ञान दिया और बाबा ने उसको कैसे ये टाइटल दे दिया। बाबा ने तो विशेषताओं को देख करके टाइटल दिया था कि, और बाबा तो हर एक के भाग्य को जानता था इसलिए टाइटल दिया था। तो सबसे ज्यादा उस वक्त जो सहन किया था ना, कमलमणि दादी से हमारी बातचीत हो रही थी कि ब्रह्मा कुमारी जीवन में सबसे ज्यादा किसने सहन किया होगा, तो कमलमणि दादी ने कहा था कि सबसे ज्यादा जो सहन किया ना, मम्मा ने सहन किया था, तभी मम्मा मम्मा बनी। और मम्मा कभी भी किसी की भी बातें जो थी वो समा लेती थी, कभी बाबा को शिकायत नहीं करती थी। एक मां की तरह अपने अंदर हर एक की बात को समा लेती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। तो इसीलिए कहा मम्मा मम्मा बनी। तो कहने का भावार कि आज मम्मा सबके दिलों में है। तो स्नेह से जो बाबा ने कहा ना कि मरना नहीं है, वो एक तरफ से बाबा का भी मम्मा सुनते थे, तो एक तरफ बच्चों का भी सुनते थे, और दोनों की बात को समझते थे गंभीरता से। तो इसीलिए कहा कि ये मरना मरना नहीं लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है, स्वयं सहन कर दूसरों को शक्ति देना है। मम्मा शक्ति देती थी, ऐसी अच्छी बातें बताती थी। उसके बाद कभी कोई बच्चे आते थे किसी की शिकायत लेकर के, तो बाबा मम्मा बाबा के पास नहीं ले जाती छोटी छोटी बातों के लिए, लेकिन मम्मा उसको ऐसी बातें सुनाती थी जो उसमें शक्ति भर जाती थी, और उसकी कमजोरी भी समा लेती थी, और उसके अंदर और ही सेवा भाव डेवलप कर लेते थे। जो भी दोनों आते थे, दोनों का मान लो के संस्कारों का टक्कर हुआ, दोनों मम्मा के पास आते थे, मम्मा दोनों की बात सुन करके दोनों को शक्ति भरती थी कि वो उस बात को समझ करके आगे बदल जाए। इसलिए कहा जाता है जो सहनशील होकर बदलता है वो आगे बढ़ जाता है, वो बदलता नहीं बढ़ता है, और अविनाशी फल को प्राप्त करता है, इतना श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करता है। और एक बात बाबा की याद आती है कि जब कल्याणकारी बाबा का साथ है, हाथ है,
ड्रामा कल्याणकारी है तो किसी भी बात में अकल्याण तो हो नहीं सकता है, किसी भी बात में अकल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई भी तो उसको देखते हुए भी, उसको सामना करने के लिए भी ये ज्ञान की बात को धारण करो कि जहां बाबा का कल्याणकारी हाथ मेरे ऊपर है, ड्रामा कल्याणकारी है, तो मेरा कल्याण कौन कर सकता है। और ये विघ्न आए ही हमें आगे बढ़ाने के लिए, कोई भी विघ्न आता है तो बाबा कह या तो वो सीख देने आता है, कोई लेसन पढ़ाने आता है, या तो किसी न किसी रूप से आगे बढ़ाने आता है, तभी वो हमारे सामने आता है। इसीलिए हमें एकदम से रिएक्ट नहीं करना है कि क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, नहीं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, टाइम भी होता जा रहा है इसलिए, कि बाबा ने कहा है कि जहां 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 आप ये शब्द यूज करेंगे ना, मैं ये करूंगी क्या, मेरे को ये करना है क्या, मेरे को ही मरना है क्या, मैं ही सब सहन करूंगी क्या, बाबा कहते हैं सबसे पहले तो ये मैं की बलि चढ़ा दो। जब मैं की बलि चढ़ा देंगे तब सहन करना आसान होगा, जब तक ये मैं रहेगा ना सहन नहीं होगा। अभिमान वाला मैं रहेगा तो सहन कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए बाबा कहे ये मैं की बलि चढ़ाओ तब सहन करना आसान होगा, नहीं तो मुश्किल होगा। देखो प्रकृति भी हमें सिखाती है, हमारे वो प्रदर्शनी के चित्र में बहुत अच्छा ये चित्र है कि बच्चे पेड़ को पत्थर मारते हैं और पेड़ भी रिटर्न में फल देते हैं, एक एक पत्थर को सहन करके फल देते हैं। और कहा जाता है कि जब पेड़ काटने वाला आता है तो पेड़ काटने वाले को भी पहले वो थका हुआ आगे के पेड़ काट के आया है, थक जाता है तो क्या करता है, वो पेड़ की छांव में ही बैठता है, भोजन करता है, विश्राम करता है। तो पेड़ को काटना है, पेड़ को पता है अभी मुझे काटेगा, लेकिन फिर भी उसको शीतलता की छांव देता है, उसको आराम देता है। ये नहीं कहेगा कि अभी ये मेरे को काटने वाला है इसलिए मैं इसको छांव नहीं दूं। तो बाबा हमेशा कहते प्रकृति से भी हमें सीखते जाना है कि प्रकृति भी हमें क्या क्या सिखाती है, किस तरह से सहन शक्ति को बढ़ाने की बातें सिखाती है। इसलिए कहा जितना संगम युग पर सहन शक्ति हमारी विस्तृत रूप से होगी उतना ही स्वर्ग के अंदर श्रेष्ठ पद की प्राप्ति के साथ साथ सहनशीलता ऐसी निखरती है कि उसको ऐसी मूर्ति बना देती है जो द्वापर पूरा कल्प ही पूज्य स्वरूप में रहती है, सत्युग में स्वयं पूज्य रूप में रहती है और द्वापर के बाद पुजारी लोग उनकी पूजा करते हैं तो ऐसे पूज्य स्वरूप में रहते हैं। लेकिन हथौड़ा छेनी तो खाना पड़ेगा ना, यहाँ संगम युग में जितना खाते जाएंगे उतना परफेक्ट बनते जाएंगे। ठीक है, अच्छा।